मनुष्य का शरीर मशीन की तरह होता है, जैसे मशीन का कोई भी पुर्जा खराब हो जाए तो वह काम करना बंद कर देता है, वैसे ही मानव शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए तो वह सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। वातावरण और लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से इंसान का शरीर भी बदल रहा है। पहले जहां मनुष्य रोगों से कहीं बहुत दूर रहता था, वहीं आज कई तरह की बीमारियों को देखने को मिल रही है। इन्हीं में से एक कार्डियक अरेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसके लक्षण एवं इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय के भीतरी विभिन्न हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बिगड़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस अवस्था में हृदय शरीर में खून पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है। अधिकतर मामलों में मरीज इस समय बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर मरीज को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो उसकी मौत हो सकती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिल की धड़कन रुक जाती है। आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट की समस्या उन्हें बहुत ज्यादा होती है जिन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका हो। वैसे तो इसके इतने ज्यादा कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको सीने में तेज दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में भारीपन हो, जकड़न हो, बेवजह पसीना आने लगे या आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे तो इन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हैं। चलिए इसके इलाज के बारे में और बात कर लेते हैं। एवं कार्डियक अरेस्ट आए तो सर्वप्रथम क्या करें, ऐसी अवस्था में मरीज को सर्वप्रथम कार्डियोपल्मोनरी रेस्टेशन यानी कि CPR दिया जाता है। इसमें मरीज के सीने पर दोनों हाथों से दबाव दिया जाता है। मरीज के सीने को 1 मिनट के भीतर 100 से 120 बार दबाना चाहिए और हर 30 बार दबाने के बाद उसकी सांस को चेक करना चाहिए। इसकी मदद से उसकी दिल की धड़कन को नियमित किया जा सकता है। इस दौरान यदि दिल की धड़कन शुरू नहीं होती है तो डिफिब्रिलेटर की मदद से मरीज को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आने से पहले कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं और इसी वजह से मरीज की मौत का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि मरीज को डॉक्टर के पास तक पहुंचने का समय नहीं मिल पाता है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जिन लोगों को पहले से ही दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, मायोकार्डियक आदि जैसे होती हैं, उनमें इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह की इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाएं, रोजाना सुबह व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें, तनाव से दूर रहें, बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहें और जंक फूड ना लें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।